फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। मैंने आपसे कहा था कि मैं हर सारी चीजें ऐसी लाऊंगी जो इंस्टेंट हो जाए, फटाफट हो जाए, उसमें से एक है कंडेंस्ड मिल्क। तो आइए देखिए कैसे बनता है। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर मिल्क, 100 ग्राम शुगर, 1 पिंच बेकिंग सोडा। हाफ लीटर मिल्क मैं डालूंगी। हंड्रेड ग्राम शुगर मैंने लिया है, वो डालूंगी। मैंने शुगर इसलिए मिक्स कर दिया है क्योंकि मुझे क्रीमी टेक्सचर चाहिए और गैस मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। कंटिन्यूस इसे हिलाना पड़ेगा ताकि ये चिपके नहीं। बॉइलिंग आए और रेड्यूस्ड हो तब तक मुझे इसे हिलाते रहना है। नॉर्मली दोस्तों, इस लॉकडाउन में सारी चीजें मिलनी आसान नहीं है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कंडेंस्ड मिल्क मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊं, आप भी ये ट्राई कीजिए। और ये इतना हेल्पफुल है, सब में यूज होता है, डेजर्ट्स में, स्वीट्स में, हम कितने सारी चीज़ों में ये डालते हैं कंडेंस्ड मिल्क, और जो इंस्टेंट भी है, टाइम भी नहीं लगता। अब देखिए आप, बॉइलिंग आना शुरू हो गया है और आजू बाजू स्क्रैप ना हो वो भी देख लीजिए। और मस्त येलो टेक्सचर भी आने लगा है, जो हमें येलोइश कलर चाहिए वो भी आना शुरू हो गया है। शुगर मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मुझे क्रीमी टेक्सचर चाहिए था और बस वो होने ही लगा है। क्रीमी फॉर्म आने लगा है। थोड़ा और रेड्यूस्ड हो जाए, थोड़ा कम हो जाए दूध, उसके बाद मैं 1 पिंच सोडा डालूंगी। आप देख सकते हैं ऐसे बॉइलिंग आना शुरू हुआ है, यानी आप एकदम प्रॉपर वे में जा रहे हो। अब मैं 1 पिंच सोडा डालूंगी। सोडा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे क्रीमी टेक्सचर चाहिए और थिकनेस चाहिए, जो कंडेंस मिल्क के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज की हमें ध्यान रखनी है, हमें इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज्यादा थिक नहीं बनाना है। क्योंकि हम ज्यादा थिक बनाएंगे तो फ्रिज में वो और भी ठंडा होने के बाद ज्यादा गाढ़ा दिखेगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। इसलिए हमें थोड़ा लिक्विड फॉर्म और थिकनेस चाहिए। मैंने सारी चीजें, तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, सब चीजें इसमें आ गई है। यदि ये चिपक जाएगा, जल जाएगा, तो आपके कंडेंस मिल्क का टेस्ट एकदम बुरा हो जाएगा, टेस्ट जरा भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप धीरज से थोड़ा कीजिए और ये ऐसे फॉर्म में होगा। ये देखिए ऐसे फॉर्म हो जाएगा। अब ये होने की तैयारी में है। ये जब ऐसा फॉर्म होगा, यानी आप समझ लीजिए अब इसे ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, होने की तैयारी में है। बस हमें 4-5 मिनट और लगेगी हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार होने में। आप कौन सा भी मिल्क यूज कर सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए।
और हमें इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। मस्त येलोइश कलर भी आ चुका है, कंडेंस्ड मिल्क हमारा रेडी है, बस सिर्फ 2 मिनट, और हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है, अब मैं इसे पोर कर लूंगी। ये देखिए हमें ये नहीं ज्यादा गाढ़ा और नहीं ज्यादा पतला करना है, क्योंकि ये फ्रिज में हम ठंडा करने रखेंगे तो इसकी थिकनेस और भी बढ़ जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा पतला रखना है। हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है, आप इसे फ्रिज में 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं।